तो फ्रेंड्स, आज की सीरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक की बात के एपिसोड नंबर 11 में आज की टेक न्यूज को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान सलीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ टेकी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की टेक न्यूज की तरफ। तो दोस्तों, हमें सबसे पहली न्यूज निकल सामने आती है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कुछ इंटरव्यू में बताया है एक प्राइवेट चैनल को कि हम जो है काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक बनाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाह रहे हैं। लाइक उन्होंने खास तौर पर बात की है टू व्हीलर्स की, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइक्स की, थ्री व्हीलर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिक्शा वगैरह की। इन दो चीज़ों को जो है हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये कहा है सिंपली कि अब हम चाह रहे हैं कि जो CNG यूज़ करते हैं रिक्शा के अंदर, ऑटो वगैरह के अंदर, अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की बाइक्स वगैरह की, मोटरसाइकिल की, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं पेट्रोल को, तो उसको कम कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अब हम कोई ऐसी बाइक्स लेके आए, कुछ ऐसा रिक्शा वगैरह लेके आए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जिसके अंदर हम यूज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक आइटम्स को, यानी कि बैटरी वगैरह को इलेक्ट्रिक को चार्ज करेंगे और उसके बाद में जो हमारा व्हीकल है वो चल जाएगा। तो इस टाइप का जो है कुछ इनकी अप्रोच है, वो सोच रहे हैं, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट भी कर दिए, जो इनके प्लांट से वो भी कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। इन शॉर्ट, काम इस पर स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, पर्सनली काफ़ी पसंद आई है बात उनकी, क्योंकि जो काम है काफ़ी अच्छा हो रहा है और हमारा कंट्री भी एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जल्द ही जो कि सपोर्टेड होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो फिर बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो निकल के सामने आती है शाओमी की तरफ से। तो दोस्तों, आज शाओमी की दो दो अपडेट्स हैं, आपको दूसरी अपडेट जो है आगे पता चल ही जाएगी। जो पहली अपडेट है उसमें मालूम चलता है कि शाओमी ने जो है लॉन्च किए हैं दो नए लैपटॉप्स, एक जो है बेसिक है, एक जो है प्रोफेशनल्स के लिए है। दोनों की स्पेक्स एंड प्राइस बता देता हूं मैं आपको। जो पहले वाले की स्पेक्स है वो सिंपल सी हमको मालूम चलती है, उसके अंदर लगा है इंटेल i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB की रैम है DDR4 वाली, एंड इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है वो है NVIDIA का MX250। SSD देखने को मिल जाती है इसके अंदर 512 GB तक भी, और उसके अंदर अलग अलग तीन वेरियंट बनाए हैं मी नोटबुक 14 के अंदर। तो बात करते हैं दूसरे प्रोफेशनल वाले की, जो कि है मी नोटबुक 14 हॉरिजन एडिशन, जो कि प्रोफेशनल के लिए काफ़ी इसकी स्पेक्स जो है काफ़ी थोड़ी अपग्रेडेड है, थोड़ी अच्छी है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, जो मेन चीज़ होती है वो है i7 का 10 जनरेशन इंटेल का। अगर हम बात करें यहाँ पे SSD की, तो उसके अंदर 512 GB तक की भी सपोर्टेड है। अगर हम बात करें यहाँ पर रैम की, तो सिमिलर है उसी मॉडल के 8 GB DDR4 में, बट इसके अंदर ग्राफिक कार्ड और CPU के अंदर अपग्रेडेशन की है। सिंपल सी ग्राफिक कार्ड जो है MX350 लगाया गया है GeForce वाला NVIDIA का। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसी की प्राइसिंग की तरफ। दोस्तों, जो बेसिक वेरियंट है मी नोटबुक 14, उसका जो मिनिमम जो प्राइस है वो है $554, यानी कि $554, एंड जो कि है 256 GB SSD के साथ में आता है। बढ़ते हैं दूसरे वाले वेरिएंट की तरफ, जो कि है 512 GB का SATA SSD वर्जन, $593 का है। एंड लास्ट में है 512 GB का SATA SSD एडिशन, जो कि आता है साथ में NVIDIA MX250 GPU के साथ में, जो कि है $633 का। तो फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइसिंग है मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ स्क्रीन के ऊपर, या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, जो हो सकेगा मैं प्रोवाइड कर दूँगा स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं मी नोटबुक 14 हॉरिजन एडिशन के प्राइस की तरफ। उसके प्राइस 200 के अंदर दो वेरियंट बनाए हैं, एक है 512 GB SATA SSD वर्जन के साथ में, जिसकी प्राइसिंग रखी है $725। सेकेंड वाला है 512 GB PCI एक्सप्रेस के साथ में आता है, NVMe SSD वर्जन के साथ में, जिसकी प्राइसिंग है $791। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा पैकेज रहेगा अगर आप रिलाय करते हैं इसके ऊपर, मतलब कि भरोसा करते हैं Xiaomi के प्रोडक्ट्स की तरफ। अगर आप एक वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये जो PC है प्रोफेशनल वाला हॉरिजन मॉडल जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, और प्राइसिंग मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट ही रखी है Xiaomi ने। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो निकल के सामने आता है Huawei की तरफ से। Huawei जो है अक्टूबर के अंदर जो है लॉन्च करने वाला है Huawei Mate 40 को। ये चीज़ें कंफर्म तो मालूम निकली कि स्पेक्स होने वाली, बट कुछ जो चीज़ें हैं मेन, यानी कि हम बात कर रहे हैं CPU की, तो CPU मालूम यहाँ पे ये चल जाए कि इसके लगा हुआ क्रीन का 1000 प्रोसेसर, जो कि होने वाले काफ़ी फास्ट, मतलब कि इसकी जो स्पेक्स कंप्लीट तो नहीं मालूम चली, और मैं बताना समझता भी नहीं होगा, मैं वो मालूम भी चलती तो, क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं है, टेक न्यूज़ के जो है मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बट मालूम ये चलता है कि अक्टूबर के जो है लॉन्च हो सकता है, और कंपनी ने जो है Huawei Mate 50 के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है, जो कि लॉन्च होगा 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो निकल के सामने आती है अगेन Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने जो है अनाउंस कर दिया है अपना Redmi 9 विद क्वाड कैमरा एंड 5000 mAh बैटरी के साथ में, जिसकी प्राइसिंग रखी है $180। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन बाय दैट।
तो दोस्तों फ्रेंड्स, मैं यही देख रहा हूँ कि शाओमी जो है दिन ब दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते ही जा रही है। जहाँ तक मेरे को याद पड़ता है, कल वाली वीडियो जो टेक न्यूज़ की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था टूथब्रश को बनाया है शाओमी ने, उससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टर बनाया है, और उससे पहले भी मैं जो है वीडियो के अंदर कोई ना कोई अपडेट जो है शाओमी की तरफ से होती ही है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो निकल के सामने आती है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो ये जो है पाकिस्तान में जो है 15 जून को देखने को मिल सकता है। लॉन्चिंग डेट जो है फिलहाल कंफर्म नहीं है, बट ये जो चीज़ें देखने को मिल सकती है इसकी जो स्पेक्स वगैरह है वो भी मालूम चली गई है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो मॉडल है मलेशिया में आ चुका है, इंडिया में आ चुका है, बारी है पाकिस्तान की मार्केट की। और ये जो फ्लैगशिप फ़ोन है पाकिस्तान की मार्केट में ऑफर होगा, कितने प्राइस पर होगा ये कुछ नहीं मालूम, हमको वेट करना पड़ेगा 15 जून का, अगर होती है लॉन्चिंग 15 जून को। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको आज की भी जो टेक न्यूज है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, टेक न्यूज पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर कर दो जो इंटरेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट भी कर दिया होगा वीडियो के अंदर क्या मतलब कि आपकी राय है, फीडबैक है टेक न्यूज के हवाले से। वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा विद बेल आइकन। तो फ्रेंड बस इस फिलहाल इतना ही था, देखेंगे बहुत सारे, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।